इस्तीफा दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, कोर्ट तक में बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं जाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लें, तो मुझे ये सब कार्यवाही नियम प्रक्रिया के तहत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं और संविधान में जो मुझे निहित प्रक्रियाएं दी हैं उसका पालन करना जरूरी होता है। सर, आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, एलिफेंट ट्रेडिंग हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में ये बड़ी विडंबना आ गई है कि जनता किस हेतु के लिए आपको चुन के पहुंचाती है, क्षेत्र में क्या करने के लिए पहुंचाती है, और आने के बाद आप क्षेत्र को नजरअंदाज कर दें और स्वयं को सोचने लगें तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। सर, आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए सारे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको लगता है कि ये सारे फोर्सफुल थे, बिकॉज कई बार वीडियोस आई जो बेंगलुरु से, देखिए वीडियो में उन्होंने बोला, बट अभी भी आपको लगता है फोर्सफुल रेजिग्नेशन आए हैं, आपके दो आपने एक्सेप्ट कर लिए। देखिए, अब मैं उसमें मैंने कल रात में, चूंकि आप नहीं थे, मैंने वस्तु स्थिति रख दी थी, कोर्ट में तक, सुप्रीम कोर्ट में तक वो लोग गए और उन्होंने बोला कि लिखित रूप से उनके वकील ने कहा कि ना हम जाना चाहते हैं, माना जाए हमने दे दिया है और आप कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, तो वकीलों ने कहा। तो जब ये सब चीजें हो गई और ये सब नियम प्रक्रिया में चल रही है, तो मेरे पास फिर अंतिम फैसला यही रह जाता कि उनके इस्तीफे स्वीकार करूं, जो मैंने कर लिए। तो बीजेपी आरोप लगाएगी कि ये सारी चीजें बाद में जिस तरह से, देखिए मैं निष्पक्ष हूं, जो मेरे विषय में बात लाई जाती है उस पर मैं विचार करता हूं। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना तो राम के ऊपर भी लगा दिया था, मां सीता के ऊपर भी लगा दिया था एक व्यक्ति ने, तो हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लो टेस्ट की क्या तैयारी है? भाई, मेरी द्वारा दैनिक कार्य सूची जो जारी होती है, रात में 1 बजे कर दी गई है, 2 बजे से विधानसभा आहूत की गई है। एक सवाल खड़ा होता है कि आपकी जानकारी में भी है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा दैनिक कार्य सूची क्या है, तो चलिए उसके माध्यम से सार्वजनिक कर दे रहे हैं कि हाँ जारी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका पालन करने के लिए जारी की है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि सर, पहले 6 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर किए गए और इतनी देरी क्यों हुई इन 16 विधायकों के इस्तीफे को मंजूर करने में? मेरी इस्तीफे स्वीकार करने की भी कोई भी सीमा हो सकती है, मैं, मेरे अधिकार, मेरे नियम और स्वयं न्यायपालिका बोलती है, तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता जो आप प्रश्न कर रहे हैं। धन्यवाद। So that was the Madhya Pradesh speaker there. NP Prajapati was briefing the media, saying that he did not delay in accepting resignation. There is no time limit for accepting of resignations of MLAs. He was responding to the criticism there, countering the criticism that has come from some quarters within the BJP, accusing him of being a partisan speaker. So the Madhya Pradesh speaker was briefing the media there. NP Prajapati was speaking to the media on a day when the Supreme Court has ordered the floor test in the Madhya Pradesh Assembly to be carried out. Remember, NP Prajapati had accepted the resignations of 6 MLAs earlier and finally accepted the resignations of all other 16 MLAs last night after the Supreme Court verdict. And right now he was, of course, briefing the media on the criticism that has been mounted by the BJP. Saraswati Chandra joining us with more details on this story. Saraswati, the Madhya Pradesh Assembly Speaker was addressing a press conference there. What were the main takeaways? देखिए, बिल्कुल विधानसभा स्पीकर जो है उनके रोल को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने भी सवाल उठाया है और उन पर कुछ सवाल उठ रहे थे कि अगर 22 में से 6 लोगों का इस्तीफा ले लिया लेकिन 16 लोगों का नहीं लिया, अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा ये कहा है कि जो माइथोलॉजी है, जो रामायण और महाभारत है, उनकी एग्जाम्पल देकर उन्होंने कहा है किस तरह से हुआ है और अपनी बात रख रहे हैं, बात इस बात को लेकर रख रहे हैं हुआ है
और 16 लोगों के साथ जो अन्याय आरोप किया बड़े दुख उनको है। हालांकि अब सीधे तौर पर उनकी निष्पक्षता को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि उन्होंने 6 लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो देर रात लगभग 12 बजे वहां इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो और डिले कराते हैं, टाइम बाइंग चाह रहे थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष को ये करना पड़ा, उनको इस्तीफा स्वीकार करना पड़े। तो मेजोरिटी की जहां तक बात है तो आप कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की जो खेमे है वो मेजोरिटी से वो खिसकती हुई नजर आ रही है। टोटल अभी 92 उसके पास है। यदि निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट है बीएसपी उनका सपोर्ट मिल जाता है तो 99 है, लेकिन बीजेपी काफी आगे चली गई, उसके पास फिलहाल 107 रिकॉर्ड है। हालांकि एक जो है वो सीएम कमलनाथ से मिल चुकी है, लेकिन हो सकता है वो जाइए जरूर देखने वाली बात होगी। 2 बजे प्रोटेस्ट है जी। बट सरस्वती जो जानकारी ये आ रही थी वो ये थी कि शायद फ्लोर टेस्ट की गुंजाइश ही ना पड़े अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना इस्तीफा पेश करते हैं अपने प्रेस वार्ता में 12 बजे के करीब, तो फिर फ्लोर टेस्ट में ही नहीं जाएंगे। तो सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के मन में अभी क्या चल रहा है, सीएमओ से क्या खबर आपको मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देर रात कल जो मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक ली थी, विधायक दल की बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि हमको जनता के बीच जाना है, ये कहते हुए जाना है कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया, लेकिन बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। तो हो सकता है 12 बजे शुरू होने के जो काम किए हैं वो बताएंगे और क्या करने वाले थे ये बताएंगे, और दूसरा ये मैसेज देने की वो कोशिश करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग हुई है जिसके चलते सरकार हमने खो दी है। हालांकि अभी कमी उम्मीद ये जो सोर्सेज है ये बता रहे हैं कि अभी इस्तीफा नहीं सौंपेंगे, वो सदन में अपना वक्तव्य पढ़ेंगे तो बोलेंगे, जैसा कि कर्नाटक में हुआ था आपको ध्यान होगा कि वहां भी येदियुरप्पा पढ़ते हैं और आखिरी में कहते मैं इस्तीफा देता हूं। तो यही रणनीति यहां भी फिलहाल कांग्रेस के खेमे में बन रही है जी। और स्पीकर की बात की जाए सरस्वती, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सवाल उठाए हैं उनके निर्णय को लेकर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके निर्णय पे सवाल पूछा था कि 22 अगर इस्तीफे आए हैं तो 6 को क्यों स्वीकार किए स्पीकर महोदय ने और 16 को नहीं, तो इस पर एनपी प्रजापति ने कोई बयान दिया क्या? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने 6 लोगों को साफ नजर आ रहा था कि आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं और आपको ये जो रणनीति साफ उनकी ये थी कि हम 6 का इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे, बाकी पर प्रेशर बनाएंगे तो अपने आप कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन वो सिंधिया के इतने खट्टर समर्थक थे कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो कांग्रेस में आए। इसी वजह से अब साफ तौर पर ये है कि फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी कह सकते हैं या डिसीजन है कि आपने 22 लोगों के एक साथ इस्तीफे आए, आपने 6 को क्यों एक 6 की क्यों इस्तीफे लिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है, लेकिन उसके बाद भी देर रात 12 बजे के बाद आप 16 लोगों के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करते हो, यानी कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप इंतजार कर रहे थे कि कुछ चीजें हमारे फेवर में आ जाए, सरकार बच जाए और विधानसभा स्पीकर आप चाहते थे कि सरकार जो है वो बच जाए किसी भी तरीके से, इसलिए वो टाइम बाय करना चाहते थे। और ये रणनीति साफ तौर पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी जो आरोप लगा रही है और साफ दिख रहा है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई तो की गई है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जी। और सरस्वती, अभी नंबर गेम की बात की जाए तो क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक संपर्क में है कमलनाथ के, क्योंकि अगर कमलनाथ सरकार को इस हर्डल इस पड़ाव पार को पार करना है तो उनको बीजेपी विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई बीजेपी विधायक ऐसे हैं जो अभी संपर्क में है कमलनाथ के? ये सिर्फ एक अपने नेता अपने विधायकों में अपने एमएलए में कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश है कि आखिर तक आप कहते रहिए कि हमारे पास संख्या है। लेकिन आपको बता दूं कि यदि संख्या होती तो वो विधायक बीजेपी के साथ नहीं होते। हम आपको बता दूं कि सीहोर भोपाल से 35 किलोमीटर दूर है, वहां पर सारे विधायक बीजेपी के 106 मौजूद हैं।
106 मौजूद है, यानी कि अगर वो वोट करते हैं सदन में जाकर क्रॉस वोट करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में उनका कैरियर और भरोसा नहीं, उनको भी लगता है कि अब बीजेपी की संभावना ज्यादा बन रही है, तो ऐसे में दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सीधे तौर पर यह है कि मैं आपको हमारे दर्शकों को बता दूं, तो फिगर जो है फिगर 104 चाहिए, ये मैजिक फिगर है जिसमें कि आप सत्ता बना लेंगे, आप सरकार बना लेंगे। और बीजेपी के पास फिलहाल 106 है, 106 इनके पास है। हालांकि एक अभिनारायण त्रिपाठी, वो उनने इस्तीफा नहीं दिया है, वो भली कह रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ है, हो सकता है 107 मतलब एक और जुड़ जाए तो 107 हो जाए बीजेपी के पास। तो ऐसे में सीधी सी बात है, यहाँ पल्ला भारी होगा और काफी हर्डल्स हैं अभी कांग्रेस के सामने और वो हर्डल्स मुश्किल है पार कर पाए। Alright, Saraswati, stay with us. We're getting more breaking news now coming in. BJP MLA Sharad Kumar has resigned from the Madhya Pradesh Assembly. The Speaker has accepted his resignation. So this is big breaking news now coming in. Now a resignation from the BJP camp as well. It seems one of the BJP MLAs has turned rebel. Sharad Kumar has resigned from the Madhya Pradesh Assembly. The Speaker NP Prajapati in fact has also accepted his resignation. So Saraswati, ye badi khabar ab aa rahi hai ki Congress ke vidhayakon ne to pehle hi istifa de diya tha, jo ab Speaker swikar kar chuke hain, magar ab भारतीय जनता पार्टी के खेमे के विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं, शरद कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, इसका क्या मतलब है? देखिए बिल्कुल जैसा कि लग रहा था कि दो विधायक जो थे शरद कौल और नारायण त्रिपाठी, ये हमेशा से ही कांग्रेस का पक्ष रहते चले आ रहे थे और वो बीजेपी के थे दोनों, लेकिन शरद कौल ने दे दिया है। तो सीधी सी बात है, एक संख्या और कम हो गई। अब इसके बाद जो ओवरऑल फिगर है उसमें 105 की जरूरत पड़ेगी, फिगर में 103 की जरूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि जैसा कि कांग्रेस कह रही थी, तो हो सकता है आखिरी में उसके पास कुछ पत्ते हो, बीजेपी के जो विधायक जो है 5 इस्तीफा दे देते हैं तो, और निर्दलीय इनके साथ आ जाते हैं कांग्रेस के, तो बच जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल एक ने दिया है, अब क्या क्या बाकी लोग, लेकिन सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि 4 से 5 विधायक हैं जो कि इस्तीफे जिन्होंने लिखा के रख लिए थे कांग्रेस में, और हो सकता है ये जो खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें ये कर दे कि कितने लोग और बीजेपी के इस्तीफे दे रहे हैं। और सरस्वती, खबर ये आ रही है कि तुरंत स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार दिया है, शरद कुमार का इस्तीफा स्वीकारा है, इसका ये मतलब है जैसे आप हमें बता रहे थे कि जो आंकड़ा है वो और कम नजर होते हुए आ रहा है, मगर अभी भी कुछ और विधायकों की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को, मगर ये खबर शरद कुमार की इस्तीफे की खबर से ये संकेत है सरस्वती की मुख्यमंत्री कमलनाथ हार नहीं मान रहे हैं, अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई चाल अभी बाकी हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के खेमे में अभी बहुत सारे ऐसे तुरुप के हैं जो कि वो खेल सकते हैं। जैसा कि पीसी शर्मा ने इंडिया न्यूज पर दावा किया कि हमारे पास 105 हैं, तो अब जो संख्या की बात करें तो कांग्रेस यदि इनका इस्तीफा हो गया है तो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि अब जो ओवरऑल संख्या है उसमें कांग्रेस को एक और कम की जरूरत पड़ेगी, तो सीधे अब 4 की जरूरत रहेगी यदि 4 कांग्रेस को मिल जाते हैं, क्योंकि निर्दल भी उनके साथ है, बीएसपी एसपी साथ है, तो ऐसे में सरकार जो है वो बच जाएगी। ये गणित जो है अभी कह रहा है, क्योंकि अब बीजेपी 107 था, वो एक का इस्तीफा और मंजूर हो गया है, तो फिलहाल ऑन रिकॉर्ड 106 है, और अभी ये और ये विधानसभा का विशेष अधिकार होता है अध्यक्ष का कि वो इस्तीफा स्वीकार कर ले करे या ना करे, तो उन्होंने कर लिया है। तो स्थितियां फिलहाल कांग्रेस पूरी अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रही है जी, और शायद अब एक शायद अब 15 मिनट का ही वक्त है सरस्वती, 15 मिनट का ही वक्त है, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे, तो शायद इन ही 15 मिनटों में कोई खेल बदल सकता है, या तो कोई और विधायक बीजेपी के इस्तीफा दे
या तो फिर मुख्यमंत्री शायद इस्तीफा दे 12 बजे, ऐसे संकेत अभी हमें मिल रहे हैं। मगर जैसे आप हमें बता रहे थे पहले सरस्वती कि शरद कुमार ने तो संकेत दिए थे पहले ही कि वो शायद बागी बन सकते हैं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी खेमे से कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ सकते हैं, कोई और ऐसे विधायक हैं जो बागी तेवर दिखा रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये 3 मार्च की घटना है जबकि कांग्रेस ने 4 विधायकों से संपर्क किया था, बीजेपी के 4 विधायकों से संपर्क किया था, उसमें 2 शरद पार्टी है, 2 और हैं। तो ऐसे मानकर चल रही है कांग्रेस कि उसके पास 4 विधायक हैं बीजेपी के। हालांकि अब शरद पहल चुकी पहले से ही वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, वो कांग्रेस की तरफ बोल रहे थे, तो ऐसे में लग रहा था कि शरद पॉल जो है वो इस्तीफा दे देंगे और उनको ये लगता है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस की सरकार बच जाएगी, तो उनको प्रलोभन भी दिया गया है, तो उनको मिनिस्टर ऐसे मौके पर उन्होंने सरकार का साथ दिया तो उनको मिनिस्टर भी बना लें। लेकिन अभी काफी वक्त है कांग्रेस के पास, मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि 4 लोग और हैं उनके इस्तीफे बता दें कि ये है और फौरन जो है विधानसभा स्पीकर जो है वो उनको एक्सेप्ट कर ले, तो सीधी सी बात कांग्रेस के फेवर में बनी बनाई दिखाई दे रही है। इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में काफी हालात जो है पॉलिटिकल जो चेंजेस एकदम से दिखाई दे रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड कम बोलते हैं उस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में हो रही हैं। जी बिल्कुल। और सरस्वती, मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस वार्ता करेंगे, 12 बजे का समय है इसका, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, क्या कह सकते हैं मुख्यमंत्री इस प्रेस वार्ता में? देखिए अब मैंने बताया कि अभी काफी कुछ पत्ते हैं जो कि खोलना नहीं चाह रहे कांग्रेस और खासतौर से कमलनाथ, तो हो सकता है वही मैंने बताया कि इसमें एक बड़ा, क्योंकि जैसा कि मंत्री कह रहे हैं कि एक बड़ा हम लोग खुलासा करने वाले हैं, तो उस खुलासे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 4 बीजेपी के विधायक जो है वो उन्होंने इस्तीफे और सौंप दिए, ये हो सकता है मुख्यमंत्री खुद घोषणा करें, तो ऐसे में स्थिति बनती है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ऊपर आ जाएगी और चूंकि उसके निर्दलीय लगातार समर्थन में है, जो ओवरऑल मैजिक फिगर है अभी 104 है वो और कम हो जाएगा, 102-100 के आसपास आ जाएगा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है एक बीजेपी का वहां पे, हालांकि ये लोग अगर बदलते हैं तो इन पर दल बदल का कानून लगेगा, उपचुनाव होंगे लेकिन सबको बचाएंगे। मगर ये स्थिति को देखकर बीजेपी की क्या रणनीति है सरस्वती, बीजेपी के नेता क्या बता रहे हैं आपको, बीजेपी की रणनीति इस वक्त क्या है, बीजेपी विधायकों से संपर्क साध दिया है आलाकमान ने? देखिए बीजेपी लगातार, मैं आपको बता दूं कि पूरा जो हाईकमान है वो नजर रखे हुए है यहाँ पर, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि स्टेट बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, माफ कीजिएगा वो प्रभारी है यहाँ पे, वो यहाँ पर मौजूद है विनय सहस्त्रबुद्धे, और लगातार ऊपर से जो है केंद्र से वार्तालाप चल रही है, 1 घंटे विधायक दल की बैठक हुई है और एश्योरेंस ये सबको दिया जा रहा है कि देखिए हमारी सरकार अब जल्दी बनने वाली है और हम सबको जो ये बैठक जो हुई उसमें ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल, अब हमको सरकार बनानी है। जी, और ये खबर तो आ रही थी कल रात से ही सरस्वती कि कमलनाथ सरकार अब खतरे में है, कमलनाथ सरकार आज इस्तीफा दे सकते हैं, 12 बजे का समय प्रेस वार्ता में ही वो इस्तीफा दे सकते हैं, अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे ही नहीं। मगर आज सुबह पीसी शर्मा का ये बयान देना, पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कमलनाथ के करीबी हैं, उनका यह कहना कि हम मेजॉरिटी में, हमारे पास आंकड़े हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए अभी चूंकि भाई मैंने बताया कि अभी लगभग 10 मिनट हैं और 10 मिनट बाद सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, घटनाक्रम तेजी से बदलता है, वो ये बदलता है कि एक और जो शरद कॉल है कि बीजेपी की तरफ से चुने गए थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, अब संख्या जो है सीधी बात है कि एक और कम हो गई है, अब सीधी बात यह है कि 214 थे, 214 में से अब जो मैजिक फिगर है वो 103, क्योंकि एक और घट गया है तो 103 रहेगा, अभी 104 था, और ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस जो है उसको नजर आ रहा है कहीं ना कहीं एक जोत दिखाई दे रही है कि अगर 4 विधायक उसके आ जाते हैं तो परिस्थितियां उनके अनुकूल हो सकती है, उनके उनको पॉजिटिव कुछ दिला सकती है, इसी वजह से अब इंतजार इस बात का है कि हो सकता है सीएम जो है, हालांकि बात ये माना जा रहा था कि सीएम
इस्तीफा नहीं देंगे, वो पहले एक कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखिए बीजेपी ने किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की है, किस तरह से बैक बाइट करके जो है हमारे विधायकों को तोड़ा है और ये धन बल बाहुबल का खेल हुआ है, इस तरह वो कहेंगे। और वो ये बताएंगे कि हमने 18 महीने में देखिए कितना से चला रहे थे, किस तरह से हमने किया, ये सब बताएंगे। और कॉन्फिडेंस जो है अपने विधायकों में भरने की कोशिश वो करेंगे और मॉरल बूस्टअप करने की जो रणनीति है रात को बनी थी वही यहाँ देखने को मिलेगी, कमलनाथ कहेंगे। और जब 2 बजे चुपकी सत्र है, अगर ऐसा होता तो सत्र नहीं बुलाया जाता, पहले इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन अब वो प्रोटेस्ट में जाएंगे और उसके बाद जैसा कि भाषण कर्नाटक में पढ़ा गया था ऐसे ही वो भाषण देंगे और उसके बाद अपना रिजाइन देंगे जो है अनुकूल नहीं हुई, फेवर नहीं हुई तो। और खबर अब ये आ रही है कि कांग्रेस के विधायक इस वक्त कमलनाथ के घर पे पहुंच चुके हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक अब कमलनाथ के घर पे पहुंच चुके हैं, तो मुख्यमंत्री निवास पे कांग्रेस के विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सरस्वती बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम लोग वहीं थे, होटल से सब विधायक जो हैं, 2 बसेस उनके लिए लाई गई थी, 2 बसेस में, हालांकि कई विधायक जो हैं वो अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियों से सीएम हाउस पहुंच गए हैं, वहां उनको सबको इकट्ठा किया गया है, कुछ तो कभी ने जो विधायकों के साथ किया अभी रूबरू भी हुए थे और सभी लोग वहां पहुंच गए हैं, मॉरल बूस्ट करने का काम होगा। और उसके बाद अभी भी आखिरी सांस तक कमलनाथ लड़ेंगे, उन्होंने होप नहीं छोड़ी है और इसी वजह से क्रम तेजी से 4 विधायक जो है वो इनके खेमे में आ जाते हैं, सरकार है वो कांग्रेस चाहती है वो गलत हो जाएगा तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि पुरजोर कोशिश कांग्रेस की ये रहेगी कि उनको मंत्री बना जाएगा, पहले ही लगातार कांग्रेस के लोग भी बात कर रहे थे उनसे, कमलनाथ दिग्विजय सिंह अभी सीएम हाउस में है, तो इस तरह परिस्थितियां जो है सीधे तौर पर अभी ये काफी वक्त है, अभी 2 घंटे का वक्त है कांग्रेस के पास कि हो सकता है जो पुरानी उन्हें गोटियां जो सेट कर रखी हैं वो उनके फेवर में आ जाए। मगर सरस्वती परिस्थितियां बदल जरूर सकती हैं, मगर अभी जो स्थिति है वह काफी असंभव लग रहा है अब कमलनाथ सरकार को आगे कंटिन्यू करने का, अब चमत्कार ही बचा सकता है कमलनाथ सरकार को। मगर अभी भी जैसे सरस्वती हमें बता रहे थे कि कमलनाथ निराश नहीं हुए हैं, कमलनाथ ने गिव अप नहीं किया है, अभी भी कोशिश जारी है ये सरकार बचाने की। अगर कमलनाथ सरकार गिरती है जिसकी काफी संभावना इस वक्त लग रही है सरस्वती, तो क्या शिवराज सिंह चौहान आज ही दावा पेश करेंगे, क्या आज ही उनको नियंत्रण दिया जा सकता है, निमंत्रण दिया जा सकता है सरकार बनाने का? तो कुछ चांसेस जो है सीधे तौर पर यह है कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी और वो दावा पेश कर देंगे। अब बहरहाल अभी जो लगातार मीटिंग हो रही है बीजेपी की वो ये हो रहा है कि विधायक दल का नेता गोपाल भार्गव जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो विधायक दल के नेता हैं फिलहाल, अब किसको चुना जाएगा, क्योंकि ये डिसाइड अभी इतने जल्दी, क्योंकि सिंधिया खेमा भी है, उनको भी सेटल करना है, उनको भी मनाना है, सिंधिया को मनाना है, तो हो सकता अभी फिलहाल अब बीजेपी के पास चुनौती ये है कि किसको लीडर करते हैं और जो लीडर घोषित होगा जाहिर सी बात है भाई चेहरा सीएम का होगा। तो अभी 2 बजे के बाद लगातार बीजेपी की बात सीधी बात ये रहती है कि रणनीति पहले बन चुकी होती है और उन्होंने सब डिसाइड कर रखा है, जैसे ये फ्लोर टेस्ट में गिरती है सरकार उसके बाद एक लेटर आएगा और उसके बाद विधायक दल के नेता को वो सरकार बनाने का प्रस्ताव दे देगा। तो परिस्थितियां अभी फिलहाल बीजेपी के हिस्से में नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की दौड़ में मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र तोमर दो का नाम सामने आ रहा है। चलिए फिलहाल के लिए शुक्रिया सरस्वती चंद्र उस तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति अभी नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश राजनीति और रणनीति पर हमारा फोकस जो है वो लगातार बने रहेगा।